हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो व्लॉग है वो मतलब सबसे लास्ट व्लॉग होगा मेरे इस घर का, क्योंकि मैं आज शाम में निकल जाऊंगी अपने घर, मतलब अपने ससुराल। सो अभी मैं अपने मायके में हूँ, तो आज का जो व्लॉग है वो मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ बना रही है, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और मेरी मम्मी ना बहुत अच्छा मतलब नमकीन बनाती है, वो बहुत ही खास्ता होता है, और मेरे से ना वो चीज़ें बनती नहीं है घर पर, तो मैं सोचा था मैं क्यों ना इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ एंड देखते हैं। तो फिर चलो चलते किचन एंड देखते मम्मी क्या कर रही है। सबसे पहले ये है मेरी मम्मी, और यहाँ पे मम्मी ने दो पैकेट मैदा लिया है, ऐसा वाला मैदा यूज़ किया है दो पैकेट। फिर इसमें आपको घी डालने हैं, और मम्मी और क्या क्या डाली हो? अभी घी डाली है। अच्छा, अभी तो सिर्फ घी डाली है। और मम्मी तो पूरा काजू को ग्राइंड कर रखी है। और ये क्या है? नारियल। अच्छा हाँ, ये नारियल है, सूखी नारियल होती है ना वो है। यहाँ पे मूंगफली है, जिसको हम लोग बिहार में बादाम बोलते हैं, ये मूंगफली है। और यहाँ पे चीनी को पहले से ही मतलब दूध में ऐसे मतलब उसको क्या कहते हैं, मिक्स करने के लिए छोड़ देता कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेरे लिए मखाना भी बनाएगी, तो उसको भी नहीं बाद में फ्राई करेगी, क्योंकि ये सब ना मेरे से अच्छा बनता नहीं है। मम्मी मेरी बहुत अच्छा बनती है। क्या मम्मी इधर देखो। और आज मेरी शाम की ट्रेन है, तो हम तो चले जाएंगे, इसलिए मैं मम्मी बना रही मेरे लिए, जबकि मना भी किया था मम्मी मत बनाओ। मम्मी घी कितना दे दी? सिर्फ घी मत ना, थोड़ा सा पानी दे ना। नहीं, पानी डाल दे। तो अभी इसमें डल गया काजू, और ये है नारियल। मम्मी और ये सूप में इसलिए क्या था, क्योंकि ना यहाँ पे वो उसका जो उसके जो छिलके होते हैं ना मूंगफली के, उसको हटाना होता है इसमें। सो गाइस, यहाँ पे इलायची भी हमने वो कर लिया, ग्राइंड कर लिया, इलायची भी देंगे आपको। इलायची के जो पत्ते होते हैं ना छिलके, उसको हटा देने हैं, और सिर्फ इलायची के दाने जो होते हैं उसको ग्राइंड करके देना है। तो ये तो इसको ऐसे कर लेते हैं, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। और गाइस, हम भी मना करे थे मम्मी को, लेकिन हम इसलिए सोचे कि चलो भाई देख लेते किस तरह बनता, फिर अपने घर पे जाके इसे बनाएंगे, मतलब अपने ससुराल जाके। जानते क्यों अच्छा नहीं बना था? क्योंकि हम ये सब नहीं देते, बादाम, ये काजू, ये सब कुछ नहीं देते। और गाइस, अभी हम लोग का किचन ना पूरा मैसी हो रखा, क्योंकि आज शाम में हमको निकलना है। बेचारी मेरी मम्मी खाना वाना पूरा तैयारी कर रही है किसी तरह। मम्मी अपने बेटी को बहुत ज़्यादा मानती है ना, इसीलिए दो दो किलो घी डाल रही है, ताकि मोटा जाए उस बेटी। मम्मी का बेटी मोटा नहीं क्या? कहाँ से मोटा है देखो, अभी बेटा देते नहीं छह पोता का दिन मम्मी कह रहे। तो दीदी सरप्राइज का मिलने वाला हम लोग को। किस चीज़ का सरप्राइज? और तुम्हें बताओ। अच्छा, तुम्हें पता हमसे मार, तुम मेरा गिफ्ट कब देने वाली हो? कौन चीज का गिफ्ट? हाँ, मेरे को चाहिए एयर नाइकी जॉर्डन का शूज, कम से कम 1 लाख का होना चाहिए। अब हम लोग चीनी डाल रहे हैं इसमें। बनाने के अपने घर पे हम चीजें चीनी डाल देते भाई, मतलब तो इसलिए मैं अच्छा नहीं, मैं तो बहुत बेकार, मतलब मेरा इतना सॉफ्ट बन गया था ना शायद होता। सो जिसको भी मतलब ये पकवान, जिसको भी पकवान या फिर नमकीन बनाना है वो ये वीडियो जरूर देखें। मम्मी भी नीचे बैठ के बोल गया था। तो गाइस, इसमें ना थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला था, मतलब इसमें इसको ना सिर्फ घी से ही मम्मी मतलब गूंथती है। और आपको अगर पानी देना भी हो तो जब आप चीनी को मतलब घी मिक्स होने के लिए रखते हैं ना, उस वक्त आप दे दिया कीजिए, ताकि जब चीनी मेल्ट होता है ना तो उस वक्त थोड़ा सा पानी दे दीजिए, बाकी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और तो ऐसे बनता, मतलब मम्मी बनाती है, और मैं आपको दिखाऊँगी जब ये बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खास्ता होता है। तो इसके बहुत से बहाने मैंने इस चीज़ को सीख भी लिया है। बहुत लोग यार पानी यूज़ करते हैं या फिर गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो उससे ना वो खास्ता नहीं बनता है। मैं आपको जो भी सेप देने का मन आप दे सकते हैं, या फिर राउंड सेप या फिर ऐसे ये वाला सेप। सो गाइस, तब तक मैं सो गई थी, मम्मी तो बना भी ली थी यार, देख सकते हो इतना क्रिस्पी है ये। ये देखो भाई, इतना ज़्यादा क्रिस्पी, इसमें बहुत बहुत क्रिस्पी है बगैर बहुत। और अभी यहाँ पे और भी है, इधर भी है,
जब फ्राई हो रहा है घी भी इधर भी है जितना मम्मी इतना घी दे दी नहीं कि सब टूट ही गया देखो भाई इतना ना टूट जा रहा ना कहीं और गाइस यहाँ पे मेरी बहन जो थी मैं तो चली गई थी मतलब रेस्ट करने के लिए मतलब मैं सोने चली गई थी तो अब यही सब बना रही है दीदी ऑफिस नहीं अच्छा खाए ये क्या बना रही हो नमकीन यहाँ पे भी इतना सारा बचा हुआ है ठेकुआ इसको हम लोग ना मतलब हम लोग तो पकवान ही बोलते हैं लेकिन बहुत लोग इसको ठेकुआ बोलते हैं खास्ता बोलते हैं जिसको जो बोलना है हमारे बिहार में इसको पकवान ही बोलते हैं और इधर नमकीन बन रहा है मेरे लिए और ज्योति बेचारी बहुत मेहनत कर रही है बना बना मम्मी और देखते हैं रॉक्सी क्या कर रहा है और देखो भाई रॉक्सी क्या कर रहा है इसका ना क्या है रॉक्सी अरे मीठे रॉक्सु उठ गया हम चले जाएंगे थोड़ी देर के बाद हम थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे लक्षु इधर देखो तुमको भूख नहीं लगा है इसको गाइस ना भूख ही नहीं लगता जब इसको ना चिकन आता है खा लो पनीर खा लो तो ए चलो खाओ पनीर जबरी खिला जबरी खिला जल्दी खा खाले 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 ये तो कुत्ता नहीं खा सकता तो यहाँ से आ जाओ देखो गाइस मिट्टी इसको ऐसे खिलाती है रॉक्सी क्या बन रहा है आज कोई नहीं है घर में सब गए घूमने के लिए गाइस ये मेरे गौतम भाई हैं और ये मम्मी है अब हम लोग बनाएंगे नमकीन तो नमकीन का प्रोसेस यहाँ चल रहा है और इधर दोनों बहन है मेरी आज बेचारी बहुत मेहनत करी थी और गाइस ये मिट्टी का जो बाल है ना मैंने बनाया है बताना कैसा है और किसी को बाल बनाना मेरे पास आ जाए बिहार चले थे ना हाँ ये बात दीदी सुनो क्या? हम इसका गौतम का वीडियो कुछ कुछ बना तुमको भेजा करेंगे ठीक है तुम डाल दिया करना देखो गाइस ये पूरा पकवान बन चुका है और गौतम अभी मेरे लिए एक चीज और लाया दिखाएं हटो तो मिट्टी पे हटो तो गाइस ये है भुजिया क्योंकि अभी भी गर्म है ये भी जस्ट बनवा के लाया गौतम मस्त देसी घी में काम कर देते देखो तुम काम करते हमको बहुत अच्छा लगता है मिट्टी तो काम करती है मिट्टी काम करती है लेकिन ज्योति थोड़ा कम ज्योति बस खाना बनाती है वो भी खाना ऐसे बनाती है ना लेबर आदमी है नहीं ज्योति खाना देखो रोटी बनाएगी तो जो चकला बेल ना उसे ही छोड़ देगी ठीक है आटा गूंदेगी तो पानी वैसे वो जहाँ गूंदेगी वहीं पानी छोड़ देगी सब्जी कट करेगी जो सब्जी का वेस्ट पार्ट है वहीं छोड़ देगी उसको उठा कर रख मतलब डस्टबिन डाल नहीं सकती ज्योति का ये चीज है थोड़ा डिमेरिट बाकी खाना तो अच्छा बनाती है चलो हम अभी थोड़ी लोग की हेल्प कर देते हैं फिर आपसे मिलते हैं गाइस यहाँ पे चिक्कू गौतम अभी कुछ कर रहा था लेकिन हम आए थे करना बंद कर दिया चिक्कू यहाँ लहसुन छिल रहा है और ज्योति भी ये करी है यहाँ बनेगा लिट्टी सत्तू का भरा हुआ अरे मम्मी आ गई देखो मेरा बुरा ओ देखो अभी आ गई आई आई आप ही का बात चल रहा है आज नहीं जाएंगे टिकट कैंसिल टिकट कैंसिल अपना जाना है टिकट कैंसिल अभी इतना ही बना अभी तक दिखाने के लिए इतना मत करो यार दिखाने के लिए बस वो हो जाएगा अभी हम ये पूरा अभी हमें बना है देखो बेटी मेरा स्पीड हाँ मम्मी ये स्पीड कटे करके पूरा खर्च कर देखो काट दी ना देखी मोटा एक ट्रिक बताते ऐसे कट कर लो फटाफट उसके बाद कितने
मम्मी इसको हलवाई बनना है, बन जाओ यार हलवाई, ये हलवाई बनी कितने गंदा अंतरा पे मिल ला लो दिखाने के लिए बन जाओ यार घूम के आ जाओ। क्या बोले टर्न भी चेक करा होता है, ट्रेन छुड़वा देंगे देखिए हम बिटिया। नो नीड दासी, नो नीड दीदी कब आओगी, दीदी कब आओगी, काहे कि हम मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए मन लगा रहे कोई तो चाहिए ना। इधर ज्योति गाइस काम कर रही है सत्तू पूरी, सत्तू मतलब लिट्टी जो भी कहो वो बनाने के लिए। यहाँ पे ज्योति फ्राई कर रही है, इतना फ्राई हो चुका है इधर, ये भी है इधर। राजकुमार हम चले जाएंगे राज, आई एम जस्ट जा रहे हैं, सब पार्ट ड्रामा है ठीक है राज। 10,000 दे देना फिर जहाँ जाना है जाओ, क्या मतलब क्या क्या राजकुमार 10,000 दे देना फिर जहाँ जाना है जाओ बाय। कोई हमको कोई परवाह नहीं है इस लड़की से, जहाँ जाना है वहाँ जाए, थक जाए जा रहा है दीदी। गलत बात उसके लिए कुछ करना छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ हर 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 शंभु जय श्री कोई बात नहीं, अरे ये मत आप बाय बाय जी जी बाय बाय पसंद दीदी बाय रॉक्सी तो मिलत रॉक्सी बाय गौतम भैया सही सलामत है, फटी से अपने साथ पहुँचा दीजिएगा। ए चिकू भैया प्रणाम भैया, जाए छोड़ दे लो हमारा, कोई बात नहीं तो हम याद कर बुआ। चिकू भैया मेरे से खाली बाय 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 बाय। गाइस यहाँ पे लोग चाय पीने के रुके हैं, गाइस ये कह रहा कि बोलो हम सब लेबर हैं। ये देखो चीकू का सामान, मतलब चीकू है वो गौतम है, सब सामान ढूंढो के चल रहा है ये भी दो सब बता चीकू मम्मी दो ना। हम घर से आए थे बस एक ट्रॉली था, घर से जाने बाद देख लीजिए भाई सामान गाइस अब भी देख सकते हैं यहाँ पे इसका मास। सो गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, यहाँ पे मेरा अपर में सीट है, इनका वहाँ पे सीट है विदिन में, और चीकू भाई का भी यहाँ सीट है। चलो मैं सो चुके हैं एयरफोन लगा के, देखिए कैसे सो रहा। सो गाइस मम्मी यहाँ पे भी है खाने के लिए। हाँ ले चीकू नींद आया बढ़िया से ट्रेन में। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पटना जंक्शन, और यहाँ पर हम लोग का सब सामान उतर तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।